टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स एंड मोटर्स, नाम याद रखना। आज हरियाणा में जूट की गुट्टी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी है। हरियाणा की जनता ने नया इतिहास रच दिया है। शायद आप लोगों को पूरी जानकारी नहीं होगी, हरियाणा का गठन 1966 में हुआ था। इतने वर्षों में बड़े बड़े दिग्गजों ने इस राज्य का नेतृत्व किया। शायद हिंदुस्तान में बहुत कम राज्य के नेता ऐसे होते हैं जिनको पूरा हिंदुस्तान जानता है। एक जमाना था, हरियाणा के इन दिग्गज नेताओं का नाम पूरे देश में चर्चा में रहता था। हरियाणा में अब तक 13 चुनाव हुए, 13 चुनावों में से 10 चुनावों में हरियाणा के लोगों ने हर 5 साल के बाद सरकार बदली। लेकिन इस बार हरियाणा के लोगों ने जो किया है वो अभूतपूर्व है, वो पहले कभी नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है जब 2 कार्यकाल पूरे 5-5 साल के 2 कार्यकाल पूरा करने वाली किसी सरकार को हरियाणा में फिर से मौका मिला हो। ये भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका मिला है। यहां के लोगों ने सिर्फ तीसरी बार हमारी सरकार नहीं बनाई, बल्कि हमें सीटें भी ज्यादा दी हैं और वोट शेयर भी ज्यादा दिया है। ऐसा लगता है हरियाणा के लोगों ने छप्पर फाड़ कर वोट दिया है। इस जनादेश की गूंज दूर दूर तक जाए। साथियों, भाजपा दुनिया का सिर्फ सबसे बड़ा दल ही नहीं है, भाजपा सबसे ज्यादा दिलों में भी बसी हुई है। हरियाणा में जनता ने विकास के मुद्दे पर भाजपा की हैट्रिक लगाई। भाजपा ने कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति दिलाई, इसलिए गुजरात और मध्य प्रदेश की जनता 2 दशक से भी ज्यादा समय से वहां अपना आशीर्वाद बनाए हुए। अरुणाचल प्रदेश और गोवा में तीसरी बार भाजपा ने सरकार बनाई है। यूपी और बिहार में कानून का राज स्थापित करने वाली भाजपा एनडीए की सरकार को लोग बार बार मौका दे रहे हैं। असम, त्रिपुरा और उत्तराखंड में लगातार 2 टर्म से भाजपा की सरकार है। जहां जहां भाजपा सरकार बनाती है वहां की जनता लंबे समय तक भाजपा को समर्थन देती है। और दूसरी तरफ कांग्रेस की हालत कैसी है? पिछली बार कब कांग्रेस की किसी सरकार की वापसी हुई है? जो सरकार में थे
कितने साल पहले वो दोबारा आए थे? करीब 13 साल पहले 2011 में असम में उनकी सरकार लौटी थी, बाकी एक भी नहीं लौटी। उसके बाद भी जितने चुनाव हुए लोगों ने कहीं भी कांग्रेस को सेकंड टर्म नहीं दिया है। आपको जानकर के हैरानी हो जाएगी दोस्तों, देश में कितने ही राज्य हैं जहां कांग्रेस कभी 60 साल पहले वहां थी, कहीं पर 50 साल पहले थी, कहीं पर 40 साल पहले थी, 50-50-60 साल से वो सत्ता में आई ही नहीं है। एक बार लोगों ने निकाल दिया, कांग्रेस को घुसने नहीं दिया। देश के ज्यादातर राज्य के लोगों ने कांग्रेस के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। पहले कांग्रेस सोचती थी कि वो चाहे काम करे या न करे, लोग तो उसको वोट देंगे ही, लेकिन अब कांग्रेस की पोल खुल चुकी है, उसका डिब्बा गोल हो चुका है। साथियों, कांग्रेस सत्ता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानती है। सरकार में ना रहने पर कांग्रेस की हालत जलबिन मछली जैसी हो जाती है, इसलिए वो सरकार में आने के बाद देश को, समाज को भी दांव पर लगाने से नहीं हिचकती। आज पूरा देश देख रहा है कि कैसे कांग्रेस हमारे समाज में जाति का जहर फैलाने पर उतर आई है। जो लोग चांदी नहीं सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए, जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी 5-star लाइफ जीते आ रहे हैं, वो गरीब को जाति के नाम पर लड़वाना चाहते हैं। हमारे दलित पिछड़े आदिवासी समाज को भूलना नहीं है। ये कांग्रेस है जिसने दलितों पिछड़ों पर सबसे ज्यादा अत्याचार किया है। ये कांग्रेस है जिसने उन्हें इतने दशकों तक रोटी पानी मकान से वंचित रखा। ये वो लोग हैं जो 100 साल बाद भी सत्ता मिलने पर कभी किसी दलित पिछड़े आदिवासी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे।